empty. आज के इस मनोरंजक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे? बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम सबके बीच है एक विशेष अतिथि जो आपसे विशेष रूप से मिलने आई है। क्या क्या कहा आपने? उन्हें पहचाना नहीं? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक पहेली सुनाती हूँ। पहेली को सुनते ही आप झट से पहचान जाएंगे कि आज की हमारी विशेष अतिथि कौन है। तो सुनना चाहते हैं ना पहेली? हाँ, तो सुनिए। हर पल चलती जाती है वो, मेहनत करती जाती है वो, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती है वो, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती है वो। पहचाना? पूछो तो आज की अतिथि कौन है? मधुमक्खी तो नहीं? अरे तितली तो नहीं? चींटी? हाँ चींटी, चींटी। हाँ, आपने सही पहचाना। आज की अतिथि है आपकी जानी पहचानी चींटी जी। आइए चींटी जी, आपका स्वागत है। चींटी जी, आज की आप हमारी विशेष मेहमान है, कृपया सामने वाली सीट पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखो तो चींटी कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है। साथियों, जैसा कि अब आप जानते ही हैं कि आज हम अपनी विशेष अतिथि चींटी जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, तो स्वागत कीजिए इसकी पहली प्रस्तुति का, जो है कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चों के एक समूह की। उस समूह का नाम है राग रंग। वह समूह आपके लिए लेकर आया है एक कविता। तो स्वागत कीजिए हमारे पहले समूह राग रंग का जोरदार तालियों के साथ। नमस्ते साथियों, आज हम आपको एक कविता सुनाने वाले हैं जिसका नाम है चींटी, और ये कविता लिखी है प्रकाश मनु जी ने। तो चलिए सुनते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। अरे चींटी तो कितना काम करती है। वाह वाह, बहुत सुंदर। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे पहले समूह राग रंग के लिए। अब हम आपके सामने आमंत्रित करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति के लिए आपके ही साथी सुंदर बाबू का। सुंदर बाबू आपके साथ एक रोचक गतिविधि करेंगे, तो स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति के लिए आपके ही साथी सुंदर बाबू का। सुंदर
नमस्कार मित्रों, मित्रों अभी हमने एक सुंदर कविता सुनी है। हर पल चलती जाती चीटी, श्रम का राग सुनाती चीटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चीटी। बिल्कुल सही, क्या आप इस कविता को अपने मन से आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ, हम इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा, आप उन्हें आगे बढ़ाइए। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, एक चींटी जो थक रुक जाए उसका साथ निभाती चींटी, चाहे मुश्किल जैसी भी हो आगे बढ़ती जाती चींटी। जी हाँ, आगे बढ़ती जाती चींटी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सभी का अभिनंदन। आप भी अपने मन से इस कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश अवश्य करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपके सामने आमंत्रित करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि चीटी जी को। हमारे साथी सुंदर बाबू चीटी जी से बातचीत करेंगे, तो स्वागत कीजिए चीटी जी का जोरदार तालियों के साथ। मित्रों, आज हमारे बीच उपस्थित थे हमारी विशेष अतिथि चीटी जी। नमस्ते चीटी जी, आपका स्वागत है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। चीटी जी, हमने आमतौर पर आपको आपके साथियों के साथ ही देखा है, क्या आप अकेली आई हैं? आज भी मैं अपने साथियों के साथ ही आई हूँ, वे सब भी यहीं कहीं बैठी हैं। हम चीटियां मिलजुल कर काम करने में और मिलजुल कर रहने में ही विश्वास करती हैं। चीटी जी, हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए आपको खाने में क्या क्या पसंद है? खाने पीने के तो मामले में हम कोई नखरी नहीं करते, जो मिल जाए खा लेते हैं। वैसे मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है, चीनी, लड्डू, मिठाई, शहद, जलेबी। मीठी चीजें वो तो हमें भी बहुत पसंद है। आपको रहना कहाँ पसंद है? हम आमतौर पर धरती के भीतर अपना घर बनाते हैं। हमने देखा है कि जब दो चींटियां आमने सामने मिलती हैं, तो एक दूसरे को छू के आगे बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम एक दूसरे को छू कर एक तरह से बातचीत ही करती हैं। हम बताती हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, घर पर क्या हो रहा है, या कि आसपास कोई दुश्मन तो नहीं। आप इतने भोली भाली प्यारी हैं, हमेशा काम करके रहती हैं, आपका भी कोई दुश्मन हो सकता है क्या? वैसे तो हम अपने काम से काम रखती हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु होते हैं वो हमें खाना पसंद करते हैं। इल्ली मकड़ी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी कभी कुछ बच्चे भी हमें बहुत सताते हैं। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहती हैं? मैं सभी दर्शकों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन एक लगातार कार्य करने वाली प्रक्रिया है, जो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? ओहो, मुझे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा, काफी समय हो चुका है ना, इसलिए हम आज के कार्यक्रम को यहीं रोक रहे हैं। पर हम आपको एक काम दे रहे हैं, चींटी जी से हमारी बातचीत तो काफी देर तक चली, अब आप स्वयं कल्पना कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका या कॉपी में अपने मन से लिखिए कि हमने चींटी जी से कौन कौन से सवाल पूछे होंगे और उन्होंने उन सवालों का
क्या क्या जवाब दिया होगा। फिर उन सवालों और जवाबों को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आज चीटी जी से बातचीत करके और कविता गा के तो बहुत आनंद आया। बाकी बातचीत और गतिविधियां हम करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को एक बार फिर नमस्ते और धन्यवाद। हर पल चलती जाती चीटी श्रम करा।